सिक्किम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लाल बहादुर दास ने आज मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। राजभवन में राज्यपाल गंगा प्रसाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि दास वेस्ट पेंडम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। वे अनुसूचित जाति समुदाय से सिक्किम के पहले स्पीकर थे। 16 अगस्त को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। उधर पूर्व शहरी विकास मंत्री अरुण उप्रेती सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। I'll be, serving like other ministers. I'm not that extraordinary. It is a sort of responsibility being given to me by Honorable Chief Minister. So I'll do my level best to do better. Not only representing one community. In fact, minister means a cabinet minister is for all Sikkim. Okay, it's for all people of Sikkim. Yeah, in fact, our Honorable Chief Minister, he thought, there should be, every community should have representation in the cabinet. That was his nice and noble thought. For that, I'm really grateful to him. So I would like to express my thanks on behalf of people of my constituency and on behalf of all the scheduled caste community of Sikkim. I would like to offer my thanks to Honorable Chief Minister. Sikkim Vidhan Sabha ke purva adhyaksha tatha paschim pandam nirvachan kshetra ke vidhayak LB Das ne aaj mantri pad ka shapath grahan किया है और गंगटोक के राजभवन में के आशीर्वाद हॉल में राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने उनको मंत्री का गोपनीयता का शपथ दिलाया और वो पश्चिम पांडम निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विधायक चुन के 2019 में आए थे। तब वो सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और आज उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। कुछ दिन पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की पद से राजीनामा दी थी तो अड़कले लगाए जा रहे थे कि वो पीएस गोले मंत्री परिषद में एक सदस्य बनेंगे और आज उन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। मगर उनको कौन सा विभाग प्रदान किया जाएगा ये अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन विनोद तमंग के साथ प्रकाश अधिकारी।